कौन कहता है लाइमिंग करना ही फिश फार्मिंग पीज बढ़ाने के लिए एकमात्र सोल्यूशन है? नहीं दोस्तों, लाइमिंग करना ये फिश फार्मिंग का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है पीज बढ़ाने का। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या है और इसके इंस्टेंट सोल्यूशन के लिए हम जो लाइमिंग इस्तेमाल करते हैं कितने डोज रहेगा, लाइमिंग इस्तेमाल करने का डोज कितना रहेगा, ये आज का इस वीडियो में फुल डिटेल्स में आप लोग को बताऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं हूं पार्थ होती मेरा और आप देख रहे हैं एक्वा ज्ञान थेरेपी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एकदम मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा अगर आपका तालाब का पानी का पीएच लो हो गया है तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे। बेसिकली आज के ये वीडियो मेरा पार्ट टू का वीडियो होगा। इसके जस्ट पहले मैं एक वीडियो डाला है जिसमें मैं आपको एकदम पीएच के ऊपर एकदम फुल्ली डिटेल्स में बताया था कि पीएच होता क्या है और कितने पीएच में मछली अच्छा रहता है और किसका नीचे जाने से पीएच एसिडिक और किसको कितना कितना होने से पीएच बेसिक होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर तालाब का पानी का पीएच एसिडिक हो गया है तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए ज्यादा बात ना करते आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एक्वा ज्ञान थेरेपी यूट्यूब चैनल को फिशरीज और एक्वा कल्चर से जुड़े सभी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा तालाब का पानी का पीएच जब एसिडिक हो जाएगा यानी कि जब पीएच 7 के नीचे चला जाएगा, हमारा 7 होता है न्यूट्रल पीएच, जब 7 का जितना नीचे जाएगा मछली के लिए उतना प्रॉब्लम्स दिखाएगा। पहले मैं आपको पीएच जब कम हो जाएगा तो मछली को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा वो मैं बताऊंगा, तो आपको एक्चुअल में समझ आएगी कि हमारा तालाब और फिश फार्मिंग में पीएच का महत्व कितना है। दोस्तों जब तालाब का पानी का पीएच कम हो जाएगा तो मछली का शरीर से जो म्यूकस सीक्रेशन होता है ना, म्यूकस सीक्रेशन बढ़ जाएगा। म्यूकस बेसिकली होता है, आप देखेंगे मछली का शरीर के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस या फिर स्लाइम भी कहते हैं, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए म्यूकस सीक्रेशन ज्यादा होने के लिए मछली का जो गिल है वो गिल चोक दिखा जाएगा। जब गिल चोक दिखा जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, गिल चोक दिख जाने का वजह से नहीं, गिल चोक होने की वजह से मछली तो गिल का थ्रू ही ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑक्सीजन जो लेते हैं उनका शरीर में यानी कि ब्लड के अंदर लेती है वाटर से, सो ये जो ऑक्सीजन लेने का जो काम है बिल्कुल नहीं काम करेगा, यानी कि ऑक्सीजन मछली पानी से उतना अच्छे से नहीं ले पाएगा। सो इसीलिए मछली को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा और देन मछली स्ट्रेस में आएगा और स्ट्रेस में हो जाने की वजह से मछली एट देन मछली मर भी सकती है। देन दोस्तों और क्या प्रॉब्लम आता है, देन पीएच अगर कम हो जाएगा तो मछली का जो खाना है मछली का खाना कम हो जाएगा। बेसिकली शरीर में जो एंजाइम सीक्रेशन होता है ना, जब पीएच लो हो जाएगा एंजाइम सीक्रेशन उतना अच्छे से नहीं होगा, यानी कि एंजाइमिक जो रिएक्टिविटी है वो एक्टिविटी अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए मछली का जो डाइजेशन है अच्छे से नहीं होगा, इसलिए मछली का बॉडी ग्रोथ भी रुक जाएगा। देन और क्या प्रॉब्लम होता है, बेसिकली दोस्तों अगर आप स्ट्रीम फार्मिंग करते हैं यानी कि सेलफिश का फार्मिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, पीएच जब डाउन रहेगा तो जो स्ट्रीम का शरीर में जो सेल जो फॉर्मेशन हुआ होता है वो बहुत सारे मिनरल्स से फॉर्मेशन हुआ होता है। सो वो जो मिनरल्स का मिनरलाइजेशन हो जाएगा जब एसिडिक परिवेश होगा, तो मिनरलाइजेशन मतलब क्या, उनका शरीर में जो सेल होता है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, जब लो पीज रहेगा दोस्तों मछली जो है हमारा मछली स्ट्रेस में आ जाएगा, मछली स्ट्रेस में एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से मछली स्ट्रेस में आ जाएगा। ऐसे दोस्तों लो पीज होने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम दिखा जाता है। सो दोस्तों इसीलिए हमारा तालाब का पानी का पीज अगर 7 का नीचे चला जाएगा तो उसे हमें आप मेंटेन करने की ज़रूरत है। 7 है न्यूट्रल, 7 के ऊपर जाने से पानी का पीज अल्कलाइन होता है और 7 से हमें पानी में जो पीज मेंटेन करना पड़ता है 7 से 8.5 तक, ये हमारा रिकमेंडेड है फिश फार्मिंग में पीएच मेंटेन करना। जब दोस्तों 7 के नीचे जाएगा वो एसिडिक, जब 7 के ऊपर जाएगा वो बेसिक होगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें 7 के नीचे जाने से हमारा तालाब का पानी का जो पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों हमारा तालाब का पानी का पीएच किस वजह से यानी कि किस कारण से हमारा तालाब का पानी का पीएच जो डाउन हो जाता है, अगर वो कारण आप जान पाएंगे तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। दोस्तों चलिए हमारा तालाब का पानी का पीएच किस वजह से और किस कारण से डाउन होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन एकदम पीएच का मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमारा तालाब का पानी का पीएच जो डाउन हो जाता है ना, इसका पहला जो मेन कारण है वो है लो प्लैंकटन प्रोडक्शन, यानी कि तालाब में जो प्लैंकटन डेंसिटी कम रहेगा तब तालाब का पानी का पीएच कम रहेगा। तो पहला कारण क्या है, पीएच कम हो जाने का पहला कारण होता है लो प्लैंकटन डेंसिटी, जब प्लैंकटन डेंसिटी कम रहेगा, लो प्लैंकटन डेंसिटी बेसिकली हमारा दोस्तों तालाब में प्लैंकटन डेंसिटी लो क्यों होता है, जब दोस्तों तालाब में
पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर प्रेजेंट नहीं होगा, जो मिनरल जो जो प्लैंक्टन्स को ग्रो अप करने के लिए जो मिनरल्स चाहिए, जो मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होगा, और जब तालाब में जो जो हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसका परिमाण जब अच्छे से नहीं, जो जो डोज होता है उसका डोज जब अच्छे से हम नहीं करेंगे तो हमारे तालाब में जो लो प्लैंक्टन डेंसिटी दिखाई देगा। और क्या कारण होता है प्लैंक्टन डेंसिटी कम हो जाने का? जब दोस्तों ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करते हैं ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करने की वजह से जो प्लैंक्टन होता है हमारा प्लैंक्टन क्रास हो जाता है, यानी कि प्लैंक्टन मर जाता है। इस वजह से भी तालाब में लो प्लैंक्टन डेंसिटी हो सकता है। और प्लैंक्टन डेंसिटी जब लो हो जाएगा क्या होता है ना दोस्तों, हमारा जो प्लैंक्टन होता है प्लैंक्टन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है। और दोस्तों फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लैंक्टन जब ऑक्सीजन प्रोडक्शन करेगा तो इसका मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तालाब में कम होगा। आप तो जानते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हमारा तालाब में अगर पानी के साथ विक्रिया करके कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 फॉर्म करता है। तो दोस्तों कार्बोनिक एसिड एक बेसिकली वो एसिड है। सो तालाब का पानी का पीएच कार्बोनिक एसिड के माध्यम से हमारा तालाब का पानी का पीएच लो रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि लो प्लैंक्टन डेंसिटी जब प्लैंक्टन डेंसिटी तालाब में कम हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन है दोस्तों आपको प्रॉपर से फर्टिलाइजर का डोज करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फिश यानी कि अगर आप श्रिम्प का फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर से ऑर्गेनिक जो जूस आप अप्लाई करते हैं उसे आपको प्रॉपर से अप्लाई करना पड़ेगा जब प्लैंक्टन डेंसिटी आपका तालाब में घट जाएगा। देन दोस्तों हमारा तालाब का पानी का पीएच लो होने के पीछे और एक मेन कारण है हाई स्टॉकिंग डेंसिटी। यानी कि दोस्तों आप जब तालाब में ज़्यादा मात्रा में जब मछली का स्टॉकिंग कर देंगे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जितना एरिया में जितना मछली छोड़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है और जो रखने के लिए साइंटिफिक है, अगर आप उससे ज़्यादा स्टॉकिंग कर देंगे तो आपका मछली क्या होगा ना, तालाब में जो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब मछली की डेंसिटी बढ़ेगा वहाँ पर तो मछली तो सांस ले रहे हैं तो उससे क्या ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी दिखा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो आपका तालाब का पानी का जो पीएच है ऑटोमेटिकली डाउन होगा, यानी कि एसिडी होगा पीएच। सो दोस्तों इस टाइम आपको क्या करना है, यानी कि जब हाई स्टॉकिंग डेंसिटी आप कर देंगे तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना है स्टॉकिंग डेंसिटी प्रॉपर से करना है। पहला आपका सोल्यूशन है यहाँ पर जो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी के लिए, जब आप तालाब में स्टॉकिंग करेंगे तो प्रॉपर से आप स्टॉकिंग करेंगे यहाँ पर जो डेंसिटी मेंटेन करके। देन दोस्तों दूसरा सोल्यूशन क्या है, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी अगर आप हो गया तालाब में तो पीएच मान लीजिए आपका बढ़ गया है तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम आप दोस्तों एरिएशन जलाएंगे। और एक काम कर सकते हैं रात का टाइम, इसीलिए तो ये जो पीएच घट जाता है ज़्यादा, इसीलिए रात का टाइम आप ये जो ऑक्सीजन टैबलेट या फिर ऑक्सीजन पाउडर होता है ये रात का टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी वाला पॉन्ड के लिए। देन दोस्तों हमारा तालाब का पानी का पीएच डाउन हो जाने का और एक तीसरा कारण क्या है, वो है एल्गल ब्लूम। यानी कि दोस्तों जब तालाब में हमारा एल्गी क्रिएट हो जाएगा उसके वजह से भी हमारा तालाब का पानी का पीएच जो डाउन होगा। बेसिकली दोस्तों हमारा तालाब में जो एल्गी क्रिएट होता है वो है साइनोबैक्टेरिया, यानी कि जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जो दोस्तों हमारे तालाब में जो एल्गी क्रिएट होता है ना उसके शरीर से जो टॉक्सिन एक्सक्रीट होता है, बहुत सारे टॉक्सिन जैसे साइटोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन ऐसे कुछ टॉक्सिन एक्सक्रीट होता है। जो टॉक्सिन वो टॉक्सिन नेचर में एसिडिक नेचर है, यानी कि टॉक्सिन जब एक्सक्रीट होगा वो तालाब का पानी को एसिडिक कर देगा। इस वजह से भी हमारे तालाब का पानी का जो पीएच डाउन हो सकता है जब अगर एल्गल ब्लूम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा तो। दोस्तों एल्गल ब्लूम का जो ट्रीटमेंट का जो सॉल्यूशन है अगर एल्गल ब्लूम हमारे तालाब में क्रिएट हो जाएगा वो हमारे इस चैनल में हमारा वीडियो है, इस हमारे चैनल में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख लीजिए एल्गल ब्लूम का सॉल्यूशन क्या है। फिर भी दोस्तों मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, यहाँ पर आपको दोस्तों कॉपर सल्फेट को छोटा छोटा कपड़े के टुकड़े में बांध लेना है, उसके बाद उसे आपको दोस्तों तालाब से 1 से 1.5 फीट या फिर 2 फीट नीचे डुबो कर रख देना है। देन उसे डुबो कर रख देने के बाद उसका एक दिन बाद आपको लाइमिंग करना है कुछ मात्रा में। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अगर आपका तालाब का पानी का कलर ठीक नहीं हुआ तो वहाँ पर कॉपर सल्फेट जो कपड़ा का टुकड़ा वहाँ पर रहने दीजिए, देन फिर से आप लाइमिंग करिए। देन जब ठीक हो जाएगा तो वो कॉपर सल्फेट कपड़े का टुकड़ा आप वो पानी आपका तालाब से उठकर बाहर फेंक दीजिए। दोस्तों ये कि एल्गल ब्लूम अगर क्रिएट हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिकली इसका ऊपर डिटेल्स में वीडियो आप देख लीजिए तो उससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। देन दोस्तों चौथा कारण क्या होता है, देन दोस्तों चौथा कारण होता है जब तालाब में हमारा ऑर्गेनिक लोड यानी कि ऑर्गेनिक वेस्टेज जब बढ़ जाएगा तब हमारा तालाब का पानी का जो पीएच लो रहेगा। बेसिकली ऑर्गेनिक लोड यानी कि ऑर्गेनिक वेस्टेज क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक वेस्टेज का मतलब होता है दोस्तों हम जो मछली को जो खाना देता है ना, खाना अगर वेस्टेज ज़्यादा मात्रा में होगा
और दोस्तों मछली जो पॉटी करता है उसके लिए जो वेस्टेज जो होता है वो जो वेस्टेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेसिकली दोस्तों, हम जो खाना मास्टर को लेते हैं ना वो तो वो बहुत सारे जो कंपोजिशन है यानी कि उनका जो न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट से बना हुआ होता है। दोस्तों जब हम एक्सेस अमाउंट में जब तालाब में फीड अप्लाई करेंगे तो फीड हमारा क्या होगा ना वेस्टेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो नीचे जाकर जमा होगा तो ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ेगा। इससे क्या हुआ ना हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्टेज जो यानी कि जो फीड मान लीजिए उसका जो कंपोजिशन है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स ऐसे जो कंपोजिशन में बना हुआ जो फीड होता है उससे क्या होगा ना बैक्टीरिया के माध्यम से वो पहले टूट कर सिंपल कंपाउंड कुछ जो एसिड में एसिड फॉर्म करेगा जैसे एसिडिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड और जो होता है और कुछ एसिड ऐसे और अल्कोहल फॉर्म कर फर्स्ट स्टेप में कुछ बैक्टीरिया से ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद ये फर्स्ट स्टेप में एकदम फॉर्म करके जो कुछ एसिड्स फॉर्म कर दें उससे उसका बाद जो एसिड से आएगा देन जो हमारा अमोनियम सॉल्ट है NH4 देन होता है उससे अमोनिया कन्वर्ट होगा। तो ये एक साइकिल होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर ऑर्गेनिक लोड बढ़ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन है क्या? दोस्तों जब ऑर्गेनिक लोड तालाब में बढ़ जाएगा तो आपको यहाँ पर जियोलाइट और जो गैस रिमूवल मेडिसिन है उसे आपको करना पड़ेगा। ये बेसिकली है चार कारण जिसके वजह से हमारा तालाब का पानी का पीएच डाउन रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं तालाब का पानी का पीएच डाउन होने का। दोस्तों ये जो हमारा तालाब का मिट्टी का नीचे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है ना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है यानी कि जो जिसमें ऑक्सीजन लगता है जो डिकम्पोज होने के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्टेज उससे भी हमारा तालाब का पानी का जो पीएच कम हो सकता है। बेसिकली उससे ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पानी का पीएच भी डाउन रहेगा। अगर आप पीएच का प्रॉपर कारण ढूंढकर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन अगर आप कर पाएंगे तो उससे अब आपका तालाब का पानी का जो पीएच का परमानेंटली सॉल्यूशन कर पाएंगे। दोस्तों ये क्या बेसिकली पीएच का जो परमानेंट सॉल्यूशन आप कैसे कर पाएंगे उस बारे में पूरे के पूरे डिटेल्स आप मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। पीएच के जो इंस्टेंट सॉल्यूशन यानी कि लाइमिंग के माध्यम से आपका तालाब का पानी के पीएच इंस्टेंट मूवमेंट में कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, चलिए मैं उस बारे में बोलता हूँ आप लोगों को। दोस्तों हमारा तालाब का पानी का पीएच ठीक करने के लिए यानी कि तालाब का पानी का पीएच बढ़ाने के लिए इंस्टेंट मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, लाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर 3 से 4 टाइप के लाइम बाजार में पाए जाते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आप एग्रीकल्चर लाइम भी कहते हैं, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है डोलोमाइट। बेसिकली तो ये 3 से 4 टाइप के लाइम पाया जाता है। बट दोस्तों आपको यहाँ पर जब तालाब का पानी में मछली रहेगा यानी कि स्टॉकिंग क्या हुआ तालाब में, आपको यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर लाइम यानी कि CaCO3 की आपको अप्लाई करना है। सो आपको यहाँ पर कितना डोज रहेगा तालाब में, कितना पीएच के लिए कितना डोज रहेगा वो पहले आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आपको जो पानी का पीएच मापना पड़ेगा कि तालाब का पानी का पीएच कितना हुआ है, उस पीएच के हिसाब से आपको प्रॉपर से लाइमिंग करना होगा। बट दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना लाइम करो उतना लाइम करो, बट दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉपर लाइमिंग करने का डोज होता है वो प्रॉपर से पीएच मापने के बाद ही पता चलता है कि इतने पीएच पे आपको इतना ही लाइमिंग करना है। तो चलिए मैं वो डोज आप मैं लिख कर आपको बता देता हूँ कितना डोज में कितना पीएच में कितना डोज रखना है लाइमिंग करने के लिए। दोस्तों जब आपका तालाब का पानी का पीएच 4 का नीचे रहेगा, ये 4 का नीचे जब होगा तालाब का पानी का पीएच रहेगा तो आपको 2000 केजी पर हेक्टर के हिसाब से लाइमिंग करना है। जब तालाब का पानी का पीएच 4 से 5 का बीच रहेगा तो आपको 1200 केजी या फिर आप 1000 केजी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1200 केजी पर हेक्टर के हिसाब से आपको लाइमिंग करना है। देन जब तालाब का पानी के बीच 5 से 6 का अंदर रहेगा तो आपको यहाँ पर 700 केजी पर हेक्टर के हिसाब से लाइमिंग करना है, 700 केजी पर हेक्टर के हिसाब से लाइमिंग करना है। देन दोस्तों 6-6 से जब 6.5 का अंदर रहेगा आपका तालाब का पानी का पीएच तो आपको यहाँ पर 500 केजी पर हेक्टर के हिसाब से लाइमिंग करना है। और जब दोस्तों आपका तालाब का पानी के बीच 6.5-7 रहेगा तो आपको 200 केजी से 300 केजी का अंदर आपको लाइमिंग करना है पर हेक्टर के हिसाब से। दोस्तों ये जो लाइमिंग का डोज मैंने बोला, ये लाइमिंग का डोज यहाँ पर क्या लाइमिंग आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप कैल्शियम कार्बोनेट जिसे CaCO3 भी कहते हैं, आपको यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये डोज अगर रखेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे यानी कि जिसका संकेत है CaOH2, बहुत सारी जगह पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट उतना अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आप अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
अगर वहाँ पर आपको अवेलेबल है तो अगर आप ये इस्तेमाल करें। बट दोस्तों जब तालाब में स्टॉकिंग हुआ तालाब होगा वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिकमेंड किया जाता है, आधा जो लाइम रिकमेंड नहीं किया जाता है। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट सेफ होता है मछली के लिए जो स्टॉकिंग किया हुआ तालाब में। और दोस्तों अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर इस्तेमाल करेंगे तो कितना मात्रा में अप्लाई करेंगे, एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 100 kg आप लाइम इस्तेमाल करेंगे तालाब में। तो दोस्तों जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर 100 kg की जगह पर सिर्फ 70 kg आपको इस्तेमाल करना है, आपको 30% कम देना है। ये जो मैंने डोज बोला कैल्शियम कार्बोनेट का डोज जो मैंने बोला इससे आपको 30% कम देना है। इस पीएच में आपको जो मैंने डोज बोला इसमें आपको 30% कम देना है। मान लीजिए 100 kg में आपको 70 kg अप्लाई करना है अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो। और दोस्तों अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CO जिसे कहते हैं जिसका संकेत है अगर उसे आप अप्लाई करेंगे तो इसे आप कितना परिमाण ये लाइन आप कितना परिमाण अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ 55 kg आपको कैल्शियम ऑक्साइड अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपको 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 70 kg अप्लाई करना है। और यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपको यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आपको अप्लाई करना है सिर्फ 55 kg। कैल्शियम ऑक्साइड आपको अप्लाई करना है 55 kg। दोस्तों ये जो डोज मैंने बोला इससे आप कैलकुलेशन करके इस ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका आप डोज आप कैलकुलेट कर लेंगे। बट दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा हर टाइम ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप इस्तेमाल करें जब तालाब का पानी में मछली स्टॉकिंग हुआ होगा तो। अगर तालाब में मछली स्टॉकिंग नहीं है अगर आप जब पॉन्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम आप ये जो दो लाइन है यानी कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम जो ऑक्साइड है इस सब अप्लाई करें जब तालाब का पानी में पॉन्ड प्रिपरेशन आप जब करेंगे तब आप मिट्टी में ये दो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा है। बट जब तालाब में मछली होगा तो ये बहुत अच्छा काम करता है। सो दोस्तों ये क्या बेसिकली जो हमारा प्रॉपर डोज रहेगा कितने पीएच के लिए कितना आपको डोज में लाइमिंग करना है ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आप थ्रू आउट द कल्चर पीरियड आपको ऐसे करके डोज मेंटेन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लाइम का जगह और एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या पता है आपको, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं अगर तालाब का पानी का पीएच लो हो जाएगा तो। दोस्तों ये क्या पूरा बेसिकली हमारा जो तालाब का पानी का पीएच जब डाउन हो जाएगा तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन और उसके इंस्टेंट सॉल्यूशन आप कैसे कर पाएंगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो को और ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, आज का ये वीडियो यहीं तक। मैं लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल वाला बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए कि वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके उस वीडियो से, कुछ नया नया थिंग सीख सके। तो दोस्तों तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, अच्छे रहना अच्छे काम करना, स्टे कनेक्ट कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।